की थी। तो आप सब लोग मेरे सबसे फर्स्ट मेरा वीडियो देखना, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। तो मैंने लिया है एक बाउल चावल, इसको वॉश करके मैं गैस पे फर्स्ट रख दूँगी। ये देखिए मैंने चावल रख दिए हैं बॉईल करने के लिए, तो ऑलमोस्ट सभी ये हो जाएंगे बॉईल। जब तक मैं साइड में एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी लिए हैं ड्राई फ्रूट्स है, तो इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने क्या क्या लिया है, मैंने ली है द्राक्षी और मैंने लिया है काजू और बादाम। पिस्ता नहीं है इसलिए नहीं लिया, अगर आप लोगों के पास हो तो ले सकते हो। पिस्ता खत्म हो गई है घर पे, तभी ये घी गर्म हो गया है तो मैं थोड़ी सी इसमें द्राक्षी डाल रही हूँ और थोड़े से मैंने काजू और बादाम भी डाल दिए। ये देखो मैंने है ना दूध भी साइड में गर्म कर दिया है, तो ये दूध गर्म हो गया है। तो सबसे फर्स्ट हमें दूध गर्म होने के बाद गर्म होने के बाद हमें डालना है चावल, तो मैं चावल डालूंगी। तो अभी ये जो दूध है मैं डायरेक्टली चावल में डालूंगी। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। एक बाउल में चावल, तो मैंने एक बाउल चीनी ली है। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अभी मैं डालूंगी ये ड्राई फ्रूट्स जो मैंने रोस्ट किए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी मैं डालूंगी 1/2 स्पून इलायची पाउडर। टेस्ट के लिए मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है, बहुत अच्छा लगता है इलायची पाउडर से। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाला है। जो हम खीर में डालते हैं वो मैंने डाला है, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये देखिए खीर का कलर कितना अच्छा आया है। ये खीर रेडी हो गई है, तो मैंने 20 मिनट छोड़ के मैं डालूंगी मिल्क कंटेनर। तो इसे ये टेस्ट के लिए थोड़ा और मिठास के लिए डालना है, इससे खीर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए मेरी खीर रेडी हो गई है, मैंने बाउल में ले ली है। तो ये खीर बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी बनाने के ट्राई करना, आपके फैमिली को खिलाना और प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।